बीते कुछ दिनों से नेटफ्लिक्स का शो इंडियन मैचमेकिंग काफी चर्चा पर है और वहीं अब इस शो को एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस नेटफ्लिक्स के शो को सीमा तपरिया ने होस्ट किया है और तभी से वो इंटरनेट पर छा गई है। वहीं इंडियन मैचमेकिंग शो का प्रीमियर 16 जुलाई 2020 को हुआ था। ये 8 एपिसोड की सीरीज है जिसे स्मृति मधुर ने बनाया है। इस शो को एक आधी रियलिटी और आधी डॉक्यूमेंट्री की तरह पेश किया गया है ऑडियंस के लिए। इस शो में 8 क्लाइंट दिखाए जिनके लिए सीमा रिश्ता ढूंढती नजर आई है। इस शो को जनता से काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं और वहीं कुछ लोगों ने इस शो को बुरी तरीके से ट्रोल किया है। अब आपको जरूर लग रहा होगा कि आखिर सीमा तपरिया है कौन, तो सबर रखिए, हम वो भी आपको बताएंगे। सीमा तपरिया मुंबई की बेस्ट मैच मेकर जिन्होंने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी और लोगों के लिए रिश्ता ढूंढने में काफी मदद किया करती थी। उनको एक काम पसंद आया और इसी में वो आगे बढ़ती चली गई और अब वो इतनी फेमस हो गई है कि ना सिर्फ भारतीयों के लिए रिश्ता ढूंढती है बल्कि अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई जगहों के लिए सिंगल लोगों के लिए रिश्ता ढूंढती है। इस शो को आउटस्टैंडिंग अनस्ट्रक्चर रियलिटी प्रोग्राम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। एमी अवार्ड इस साल का 49वां एमी अवार्ड है। वहीं 2020 का एमी अवार्ड भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डेली क्राइम ने बेस्ट ड्रामा वेब सीरीज का पुरस्कार जीता था और डेली क्राइम अब तक का पहला भारतीय शो है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स अपने नाम किया था। केवल 7 एपिसोड की इस वेब सीरीज में शेफाली शाह ने DSP वर्तिका चतुर्वेदी का मुख्य किरदार निभाया था। वहीं सीरीज का डायरेक्शन रिचि मेहता ने किया था। अवार्ड मिलने पर शेफाली शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी खुशी जताई थी। आपको और बता दें कि एमी अवार्ड्स का प्रीमियर 19 सितंबर 2021 को होने वाला है। और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया खबर लाइव पर।